friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 5, Understanding Elementary Shape of Class 6, Exercise 5.2, Question number 7. Where will the R end of a clock stop if it start from, first is ka from 6 and turn through one right angle? इसमें हमें बताना है कि हमारा जो क्लॉक का आर एंड है वो कहाँ जाके स्टॉप होगा अगर वो 6 से स्टार्ट करता है एंड टर्न करता है राइट एंगल. सो हमारा आर एंड कहाँ पर है? 6 पर है. अब इसको वन राइट एंगल टर्न करना है. वन राइट एंगल टर्न मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बना के टर्न करेगा. सो वो 90 डिग्री का बनाएगा, 1 2 3 तीन नंबर के बाद जब वो पहुंचेगा 9 पर, यहाँ बनेगा इसमें 90 डिग्री का एंगल. सो जो हमारा आर एंड है 6 से स्टार्ट करेगा, 90 डिग्री का एंगल बना के वो कहाँ पहुंचेगा? 9 पर. सो ये हो जाएगा द आर एंड आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 9. नाउ नेक्स्ट इज का बी पार्ट, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल. अब हमें 8 से स्टार्ट करना है, हमारा जो आर एंड है वो 8 पे होगा और वो कितना टर्न करेगा? 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल मीन्स 2 राइट एंगल वो टर्न कर रहा है. एक राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो 2 राइट एंगल हम कैसे निकालेंगे कितने डिग्री के होंगे? 2 की हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 180 डिग्री का. यानी कि जो हमारा आर एंड है वो 180 डिग्री रोटेट करेगा. 180 डिग्री रोटेट करने के लिए वो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे ही करके. सो ये पहुंच जाएगा 2 पर, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 180 डिग्री का एंगल. या अगर हम दो 90-90 की बनाते हैं तो बीच में एक 90 यहाँ पर आएगा. 1 2 3 तीन नंबर छोड़ के हम जो थर्ड नंबर पे पहुंचेंगे वो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल. ऐसे ही 1 2 3 थर्ड नंबर पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सो 2 राइट एंगल जब हम बनाएंगे 8 से स्टार्ट करेंगे, 2 राइट एंगल टर्न करेंगे तो हम कहां पर पहुंचेंगे? 2 पर. ये हो जाएगा द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप एट 2. नाउ नेक्स्ट इज का सी पार्ट, फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल. अब हमें 3 राइट एंगल टर्न करने हैं. 3 राइट एंगल मीन्स कितने डिग्री एंगल टर्न करेंगे हम पहले वो देख लेते हैं. एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है तो 3 राइट एंगल हमारे कितने डिग्री होंगे? 90 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 270 डिग्री. यानी कि हमें 270 डिग्री टर्न करना है. 10 से स्टार्ट करना है, हमारा आर एंड कहाँ पर है? 10 पर है. अब जब हम 270 डिग्री टर्न करेंगे तो हमें क्या करना होगा? 1 2 यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ 30, यहाँ 30. ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा 270 डिग्री का एंगल कहाँ जाकर बनेगा. या फिर हम दूसरा तरीका और देख सकते हैं, 360 डिग्री में से जब हम 270 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 90 डिग्री. यानी कि जहाँ पे हमारा आर एंड इस टाइम है वो वहां से 90 डिग्री पीछे पहुंच जाएगा तो वो 270 डिग्री का एंगल बनाएगा. अगर हम यहाँ से 90 डिग्री पीछे करेंगे दैट मीन्स कि हमें तीन नंबर पीछे आना पड़ेगा. 987 यहाँ पे आके बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल. और ये जो बाहर वाला एंगल है ये होगा हमारा 270 डिग्री का. या फिर हम 3 राइट एंगल यहीं पे बना लेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 जब हम 1 पे जाएंगे तो हमारा एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाएगा. फिर 1 2 3 जब हम 4 पे जाएंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बन जाएगा. देन 1 2 3 जब हम 7 पे आएंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बन जाएगा. सो ये तीनों जो राइट है 90 डिग्री के एंगल हम प्लस करेंगे, इन तीन से हमारे 3 राइट एंगल बन जाएंगे. दैट मीन्स कि जब हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 3 राइट एंगल हम रोटेट टर्न करेंगे, 270 डिग्री टर्न करेंगे तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 7 पर. ये हो जाएगा द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक will stop at 7. Now next is का D part, from 7 and turn through 2 straight angle. अब हमें 7 से start करना है, हमारा जो R end है वो 7 पर है और यहां से हमें 2 straight angle turn करने हैं. So एक straight angle, 2 straight angle means पहले हम देख लेते हैं 2 straight angle पे हमें कितने degree turn करना होगा.
एक स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, टू स्ट्रेट एंगल क्या होंगे, टू की हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री। दैट मींस कि जब हम इन 7 पॉइंट से 360 डिग्री टर्न करेंगे तो हम वापस यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे पूरा जब हम कवर करेंगे तब बनेगा हमारा 360 डिग्री का एंगल। दैट मींस कि 7 से स्टार्ट करेंगे एंड टू स्ट्रेट एंगल टर्न करके हम 7 पे ही पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसे करेंगे हम, पहले एक स्ट्रेट एंगल देखेंगे हमारा कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है, 7 से 1 तक हमने एक स्ट्रेट एंगल बनाया, ये बन गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। देन 1 से लेके 7 तक दोबारा आएंगे हमारा, तो इधर भी 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक स्ट्रेट एंगल हमारा 7 से 1 तक बनेगा, दूसरा स्ट्रेट एंगल हमारा 1 से लेके 7 तक बनेगा। सो दो स्ट्रेट एंगल पे हम टर्न करके कहाँ पहुंचेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे एंड वापस 7 पे ही आ जाएंगे। ये हो जाएगा द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 7। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड आज एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।